नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाठक और एक बार फिर से मैं वापस आ गई हूं फीफा फूज में आप सभी को लेटेस्ट अपडेट्स देने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लॉकअप के सेट पर हूं और जहां पर ग्रैंड फिनाले चल रहा है, तो आपको बताना चाहूंगी कि लॉकअप के सेट पे तो फिलहाल शांति, क्योंकि कैदीज़ नहीं है जिनको आप बेहद मिस कर रहे हैं। आपने उनको 24 घंटा आपने उनको देखा है लॉकअप में और उनकी हर एक जर्नी को आपने पसंद किया है। तो घर की सहर तो मैंने आपको करा दी है कि कितनी शांति साई है, छाई है, लेकिन जो मीडिया वाले हैं उन्होंने हलचल मचा कर रखा है। अब आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस गाड़ी में जो विनर है वो ट्रॉफी लेकर निकलने वाले हैं, वो गाड़ी जो है मेरे सामने खड़ी है। जी हाँ, मारुति सुजुकी एटिका, ये है वो कार जिसमें जो विनर है ड्राइव करके अपनी ट्रॉफी के साथ अपने घर जाएगा, लॉकअप से बाइज्जत बरी होने वाला है। जी हाँ, तो कार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। काफ़ी पहली बात तो कलर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मरून कलर का कलर है। अंदर के विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देख लीजिए। और बहुत ही लाइटिंग वाइटिंग के साथ इस कार को रखा गया है, क्योंकि जब जो विनर होगा, अब मुनावर होगा, पायल होगी, अंजलि होगी, आजमा, शिवम और प्रिंस, क्योंकि प्रिंस तो ऐसे भी टॉप 5 की रेस से बाहर निकल चुके हैं जैसे हमने आपको अपडेट कर दिया। तो ये जो 5 कंटेस्टेंट हैं, इनमें से कौन विनर बनेगा और कौन ये कार में बैठ के ट्रॉफी के साथ निकलेगा, ये देखने के लिए तो भाई इंतज़ार करना पड़ेगा। हम आपको डेफिनेटली अपडेट देंगे, क्योंकि जैसे ट्रॉफी लेकर वो आएंगे तो पहले यहाँ पर वो कार में बैठेंगे और थोड़े विजुअल्स मिलेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि आखिर कौन है इस कार का और ट्रॉफी का असली हकदार। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं हूँ ज्योति पाठक विद कैमरा पर्सन रोशन हाटे फॉर फीफा फोर्स।